स्कूल भी नजदीक है, उसके बाद बच्चे को भी तकलीफ हो रही है बहुत ज्यादा। ये पूरे में आग लगी हुई है, लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है। बहुत दिक्कत है जी, सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही है। जो कोई भी दिक्कत होती है, और ऐसा एक दिन नहीं हमेशा होता रहता है। बहुत दिक्कत होती है। लगाई है, कूड़े में लगी है, तो नहीं लगता कि कुछ कर रही है सरकार। यहाँ किसी को कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे आके आग लगा के चले जाते हैं। दिल्ली के झड़ोदा संत नगर वार्ड में फिर यमुना किनारे कूड़ा डाला गया है और उसमें आग लगाई गई है, जिससे आसपास के लोगों का दम भी घुटने लगा है। धुएं का गुब्बार पूरे एरिया में फैल गया है। दिल्ली में पॉल्यूशन को लेकर बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन यमुना पुस्ते के किनारे बुराड़ी एरिया में बड़ी मात्रा में कूड़ा डाला जाता है और उसमें आग लगा दी जाती है। किसी को कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे आके आग लगा के चले जाते हैं बस। ये लगाता कौन है? यहाँ के लोग ही लगाते हैं। जब कूड़ा इकट्ठा हो जाता है तो यहाँ पे डाल देते हैं कोई कोई। ये कूड़े कबाड़े में आग लग रखी है यहाँ पे। कितनी देर से है? काफी टाइम से हो गया, 2-3 घंटे से लगी हुई है। मुझे तो नहीं लगता कि कुछ कर रही है सरकार। आज फिर ऐसे ही आग इस कूड़े में लगी हुई है। कूड़े से लगने वाली आग का धुआं इतना ज्यादा है कि आसपास की कॉलोनियों और 2 स्कूलों पर पूरी तरह छा गया है। पास में ही 2 निजी स्कूल हैं। दोनों निजी स्कूलों में भी हजारों बच्चे पढ़ते हैं और जिसमें सभी का दम घुटने लगता है। बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, सांस भी लेने में बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। 4 घंटे से हो गया। 4 घंटा हो गया जी। तो यहाँ स्कूल भी नजदीक है, स्कूल भी नजदीक है, उसके बाद बच्चे को भी तकलीफ हो रही है बहुत ज्यादा। बूढ़े लोगों की भी तकलीफ हो रही है, बहुत दिन से पड़ा हुआ है। धुआं इतनी ज्यादा मात्रा में है कि सड़क पर गाड़ियां भी दूसरे एक दूसरे को दिखाई नहीं दे रही, बल्कि धीरे धीरे चलना पड़ रहा है। लोग अपने मुंह पर कपड़ा डाल डाल कर चलने को मजबूर है। ये हालात है देश की राजधानी दिल्ली के। साथ ही खास बात यह है कि यमुना के एरिया में डाला गया कूड़ा है बायोडायवर्सिटी पार्क, जो कि यमुना किनारे बसाया गया है और उसकी प्राकृतिक झील का ये किनारा है। अरे बच्चे छोड़ना है वो। तो स्कूल में भी धुआं होगा? हाँ स्कूल में भी धुआं है, बहुत दिक्कत हो रही है। हमें भी दिक्कत हो रही है। कौन सी जगह है ये? ये जड़ौदा में आता है, उस एपेक्स स्कूल। अरे ये जो धुआं है, कितना आग लगी है? कुछ 100 मीटर की दूरी पर झील के अंदर अलग अलग प्रजातियों के जीव जंतु लाए गए हैं। सफेद कमल खिले हुए हैं, लेकिन किनारे पर आसपास के लोगों ने ऐसे हालात कर लिए हैं कि वहां कूड़ा डालकर चले जाते हैं। खास बात यह है कि कूड़े के निष्पादन की जिम्मेदारी जिस नगर निगम की है, उस नगर निगम की गाड़ियां भी यहां कूड़ा डालते हुए पहले देखी गई हैं। लोगों ने निगम की गाड़ियों द्वारा कूड़ा डालने के वीडियो तक वायरल किए थे, जिसके बाद नगर निगम ने कार्यवाही का आश्वासन दिया था। उस पर कार्यवाही होना तो दूर की बात, यहां खुले में कूड़ा डाला जाता है, जिसमें निगम कर्मचारी और आसपास के लोग सभी जिम्मेदार हैं। ये किसी ने फूंक दिया होगा यहां पर जो है कूड़ा है। ये अपेक्स पब्लिक स्कूल के सामने। तो जैसे स्कूल भी नजदीक है, बच्चों को भी दिक्कत हो रही है? बच्चों को भी दिक्कत होती है, और ऐसा एक दिन नहीं हमेशा होता रहता है। जी मैं स्कूल से ही जाता हूँ, यहाँ पर हमेशा कहीं ना कहीं यहाँ से वहाँ तक हमेशा प्रॉब्लम रहती है। रियली हरेक तरह सरकार प्रदूषण कर नहीं बात करती है, इसको देख के क्या लग रहा है आपको? पता नहीं, यहाँ तो कहीं कुछ होता ही नहीं। यहाँ मच्छर भी उतने ज्यादा है और कूड़ा भी इतना ज्यादा है डेली। हाँ बहुत ज्यादा। कितनी दूर तक है धुआं? धुआं यहाँ से लेकर वहाँ लास्ट। आज यहाँ इस कूड़े में आग लगने के बाद लोगों ने दमकल विभाग को भी कॉल की है ताकि आग बुझा जा सके, क्योंकि आसपास के लोगों का दम घुटने लगा है। पोल्यूशन को लेकर सरकारें बड़े बड़े दावे करती हैं और कई तरह के टैक्स लगाए जाते हैं, दुकानों पर छापेमारी की जाती है, पटाखे बैन किए जाते हैं, लेकिन खुले में इस तरह से दिल्ली में कई पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पर हर 3 से 4 दिन में कूड़ा जलाया जाता है।
और पहले वहां कूड़ा इकट्ठा किया जाता है जहां सरकारी तंत्र की आंखें बंद हैं। जरूरत है यह कूड़ा डालने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। साथ ही दिल्ली नगर निगम के कर्मचारी भी डालते हैं तो उन पर भी विभागीय कार्रवाई हो ताकि दिल्ली को बचा जा सके। ये कूड़े में आग लगी हुई है, लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है। मैंने फायर ब्रिगेड को फोन किया है तो फायर ब्रिगेड 10-15-20 मिनट में बोला है कि आने को। अभी मेरे पास दोबारा कॉल आई थी फायर ब्रिगेड वाले की, बोला कि मैं आने वाला हूँ, देखो कब तक आती है। तो आप यही रहते हैं? हाँ, ये 93 नंबर गली में। अच्छा, इतना धुआं उठ रहा है, रोज उठता है इस तरह की? नहीं, रोज नहीं उठता है, कभी कभी आग लगा देते तो इस कारण बहुत ज्यादा, लेकिन आज बहुत ज्यादा दिक्कत है। आज किसी ने कोई फोन भी नहीं किया कि हाँ क्या दिक्कत है क्या नहीं, किसी से कोई मतलब नहीं है। मैंने फोन किया अब आने वाली है, देखो कब तक गाड़ी आए। रोड पे गाड़ियां भी चल रही है, सक्रिय रोड है तो कुछ दिक्कत है गाड़ी चलाने में? गाड़ी चलाने में लोगों को दिक्कत है लेकिन कोई फोन तो नहीं करता, बात तो ये है। फिलहाल ये सिलसिला कई सालों से जारी है और लोगों को लगता नहीं कि ये सिलसिला बंद होगा। पॉल्यूशन को लेकर कभी ऑड इवन लागू किया जाता है, कभी दूसरे कदम उठाए जाते हैं, लेकिन इस जगह पर ध्यान नहीं दिया जाता। जरूरत है सरकारें इस तरह की जगह पर भी ध्यान दे। बहुत दिक्कत है जी, सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही है, परेशान। नहीं आई फोन भी आया? अरे ये काफी दूर तक धुआं दिखाई दे रहा है जी, बहुत दूर तक लगे जी, सांस लेने में बड़ी दिक्कत है। और कितनी परेशानी होती है इसकी? बहुत परेशानी है जी, बहुत दिक्कत उसकी भी है। कहाँ आग लगी है ये मालूम नहीं, मुझे कहाँ लगी हुई है, अभी आ रहा है। ताकि लोग साफ हवा में सांस ले सके। नसीम अहमद की रिपोर्ट, डबल ए न्यूज़।